गुलबर्गा वार्ड नंबर 22 मोमिनपुरा इलाके में नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा की लीडरशिप में पैदल यात्रा की गई है, जिसमें एरिया कॉर्पोरेटर अजीम श्रीनिफरोज की निगरानी में एमएलए कनीज फातिमा ने आवाम से मुलाकात कर कांग्रेस कैंडिडेट राधा कृष्णा डोडेमणि जी के लिए भारी अक्सरियत में वोट कर जिताने की गुजारिश की है। इस मौके पर मुस्लिम चौक पर अब्दुल रहीम मिर्ची ने एमएलए कनीज फातिमा का इस्तकबाल कर तहनीती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, और साथ ही इस दौरान जेडीएस पार्टी से मोहम्मद अली, अशफाक अली, मोहम्मद जावेद, सैयद खासी, मोहम्मद अफजल नसीर और दीगर कुल 20 से ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार किए हैं। इस पैदल यात्रा के जरिए एमएलए कनीज फातिमा, फराजुल इस्लाम, अमरुल इस्लाम, नईम खान, जैदुल इस्लाम, खुसरो जागीरदार, रियाज भट्ट को, गौज मत्तेमो, डॉक्टर मुजीब, रहीम मिर्ची, अजीम शेख, आलमदार जैदी और दीगर लोग मौजूद थे। वार्ड नंबर 22 में हुई इस पैदल यात्रा से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewelry Road. Admission are open, contact for details. आज वार्ड नंबर 22 मोमिनपुरा पे एक मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा, फराजुल इस्लाम साहब, माइनॉरिटी के चेयरमैन नईम खान साहब के अलावा तमाम कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स, कांग्रेस के वर्कर्स सभी मिलकर ने एक यात्रा किया। उसी मौके पर हमारे महल्ले के हमारे अशफाक भाई सनरिच वाटर के मालिक हैं, और उनके साथ जावेद भाई और उनके दोस्त तमाम ग्रुप के साथ जो है ना कांग्रेस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन हुआ, क्योंकि इतने दिनों से जो है ना उन्होंने जनता दल में काम किया था, लेकिन इस वक्त मुल्क के हालात देखते हुए जिन्होंने जैसा कि कांग्रेस आप बढ़ चढ़ कर जो काम कर रही है, आगे बढ़कर जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है ना जो झूठे वादे करके जो आज काम कर रहे हैं, हर तरह से जो है ना तमाम तबकात को परेशान कर रहे हैं, तो वो वजह से चुनकर जो है ना आज हर मुसलमान, यही गुलबर्गा नहीं, वार्ड नंबर 20 नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में हर मुसलमान, हर माइनॉरिटी, हर कौम के लोग जो है ना कांग्रेस के सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि देखने में आ रहा है कि सबसे जो है ना 10 सालों में देखने में आ रहा है कि हिंदुस्तान की तरक्की नहीं, लेकिन हिंदुस्तान को पार्ट पार्ट करके बेच के खा रहे हैं लोग। तो इस वजह से जो है ना कई झूठे वादे देखते हुए सब लोग जो है ना तमाम तबकात के लोग बाजार को आकर खुदा हाफिज़ बोल के, मोदी साहब का आपका जो आखिरी पीरियड है जितना बोलना है बोलिए, उस वजह से जो है ना हम तमाम इकट्ठा होकर हमारे नईम साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि न्यू जो है ना इलेक्टेड होकर जो है ना उन्होंने एक बढ़ चढ़ कर जो है ना मोमिनपुर गुलबर्गा में तो जितने भी लोग जो है ना जन अलग अलग पार्टियों में थे उनको किसी भी तरह से मना के जो है ना अपने को हमारी कांग्रेस पार्टी में लेकर आकर सबको ज्वाइन करा रहे, इतना कहते हुए मैं ज़्यादा कहना उसी के साथ साथ आज और एक बार अब्दुल रहीम साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इस प्रोग्राम के साथ साथ मुस्लिम चौक में भी एक बड़े पैमाने पर अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ ने भी मैडम का वेलकम किया और बड़ा इस्तकबाल किया, इस रैली का इस्तकबाल करते हुए उन्होंने भी जो है ना एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे प्रोग्राम किए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा मोहतरमा कनीज फातिमा एमएलए नॉर्थ की मौजूदगी में वार्ड नंबर 22 में 24 में तमाम जगह जो है ना पदयात्रा हुई, और साथ ही साथ हमारे अशफाक भाई सनराइज वाटर वाले वार्ड नंबर 22 से मैडम कनीज फातिमा के मौजूदगी में और उनके लीडरशिप में आज अपने तमाम ग्रुप के साथ, जाहिद भाई के साथ, तमाम उनके ग्रुप के साथ खारी बोली पे ज्वाइन हुए हैं, और यहाँ पे मुस्लिम चौक पे हमारे रहीम मिर्ची सेठ एक बड़े पैमाने पे इस्तकबाल किए थे मोहतरमा कनीज फातिमा का, जो हज़ारों के तादाद में हुजूम था वार्ड नंबर 22 के, 24 के, और मुस्लिम चौक के तमाम लोग मोहतरमा कनीज फातिमा का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया गया, और साथ ही साथ हमारे अशफाक भाई जनता दल से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अशफाक भाई को और उनकी तमाम टीम को, जाहिद भाई की तमाम टीम को जो है ना बहुत बहुत जो है ना कांग्रेस में इस्तकबाल करता हूँ, और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज के जो हालात है, हालात को देखते हुए, हालात को नज़र में रखते हुए ऐसे वक्त पे फैसले लेना बहुत ज़रूरी है। हर शख्स की जो है ना, हर अफराद की, हर शख्स की जो है ना ज़रूरत है कि देश भर के हालात जो हो रहे हैं, एक वाहद एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट कर 10 साल से सत्ता में बैठने वाले, डेवलपमेंट के नाम पे जो है ना हुकूमत में बैठने वाले बीजेपी फिरका परस्त पार्टी 10 साल से जो है ना तमाम हिंदुस्तान के दोनों लोगों को जो है ना गुमराह करके रखा है, तो इन हालात में लोग
ये सोच में मजबूर हो गए, एक सोच रखने पर मजबूर हो गए कि हमको ऐसे फिरका परस्त पार्टी को हराना है, तो हम तमाम पार्टियों को जो है ना नज़रअंदाज करके दूर करके हमको एक पार्टी को, एक सेकुलर पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को जो है ना मजबूत करना है, क्योंकि वाहिद कांग्रेस पार्टी है जो तमाम कम्युनिटी को जो है ना लेकर चलती है, एक सेकुलर को जो है ना पार्टी है जो हमेशा जो है ना हिंदुस्तान भर में अमन चाहती रखी है। तो इन ये पार्टी को मजबूत करने के लिए और हर शख्स जो है ना बेचैन है, सब पार्टी को छोड़कर इस पार्टी को जुड़ रहे हैं। तो मैं गुलबर्गे के डिस्ट्रिक्ट की आवाम से अपील करता हूँ कि 7 तारीख के दिन जो पोलिंग है, राधा कृष्णा साहब को यहाँ के कैंडिडेट को आप लोगों को जिताने की आपकी जिम्मेदारी है। हर कम्युनिटी के लोगों को ये चाहिए कि जो है ना आप बढ़ चढ़ कर जो है ना कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, राधा कृष्णा साहब को मजबूत करने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मजबूत करने के लिए, देश में जो है ना अमन शांति लाने के लिए आप सबको एक होना है। हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई सब एक होकर जो है ना पार्टी को मजबूत करना है और वोट करना है और राधा कृष्णा साहब को जिताना है, क्योंकि देश में आज खास कर जो है ना कांग्रेस पार्टी की जो है ना कांग्रेस पार्टी आज गुलबर्गा नॉर्थ में वार्ड नंबर 24 वार्ड नंबर 22 में एक शानदार मैडम कनीज फातिमा एमएलए साहिबा के नेतृत्व में एक बड़ी शानदार डोर टू डोर पद यात्रा निकली थी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जोश और होश में बड़ी इस हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है इसको देखकर हमारे आलमदार जैदी साहब के नेतृत्व में कई लोग घर वापस भी हो गए और अजीम साहब के नेतृत्व में कई लोग घर वापस भी हो गए। मैं तमाम लोगों से जो इस रैली की शक्ल में आए थे वार्ड नंबर 24 में वार्ड नंबर 22 में तमाम कारपोरेटर्स, तमाम कार्यकर्ता, तमाम आवाम और मेरी माँ और बहनें जो मिलकर एक शानदार पद यात्रा की, मैं इन तमाम लोगों को जो कांग्रेस में शामिल हुए मैं इनको अपने दिल की अमीर गहराइयों से कांग्रेस में वेलकम करता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये तमाम लोग जो रैली की शक्ल में डोर टू डोर पद यात्रा में जो सब जने मिलकर डोर टू डोर आए, मैं तमाम लोगों का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं गुलबर्गा नॉर्थ या तमाम हिंदुस्तान की आवाम को, एक कास्ट नए मुसलमान नए हिंदू नए तमाम कास्ट को मैं ये अपील करता हूँ, दिल की अमीर गहराई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब मिलकर ये जो माहौल चल रहा है, जो नफसा नफसी है, जो जात पात पे इलेक्शन हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को दूर हटाकर एक पार्टी को चॉइस कीजिए जो सेकुलर है, जो हर जात को देखती है, हर सेकुलर पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, जो सबको लेकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तमाम लोगों को लेकर एक जो हिंदुस्तान की जो तहजीब है गंगा जमुना तहजीब जो है इसको लेकर चल रही है। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, 7 तारीख को इलेक्शन है। आज वार्ड नंबर 22 में बेहतरीन एक सरों का समंदर की जो रैली थी आज, बहुत कांग्रेस मजबूती आई और इंशाल्लाह आने वाले वक्त हम लोग और कांग्रेस को यकीनन यहाँ से जीत होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ के तमाम लोगों के दिलों में कांग्रेस के लिए वोट डालने के लिए डालें। ये आज वक्त की हालात और वक्त आज ये कैंडिडेट जितना वजूद की लड़ाई है, तो हमें आपसे अपील है कि इंशाल्लाह आप कांग्रेस को डालकर अपने वजूद की लड़ाई का सबूत दें।